लेकिन अभी ये जो अरविंद सावंत जी है, ये मतलब वहां जो दक्षिण मुंबई है वहां के शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे अच्छे मित्र भी है, लेकिन उन्होंने जो सायना इंशी जो है, जो मतलब बीजेपी में थी, लेकिन वर्ली का सीट जो है शिवसेना की कोटे में जाने के कारण वो शिवसेना के टिकट पर खड़ी है, और सायना इंशी एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके पिताजी मतलब बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी थे और बहुत ही लोगों से उनका बहुत अच्छा संबंध भी था, और वो सायना इंशी जो है ये वर्ली से खड़ी है जहां से आदित्य ठाकरे खड़े हैं, और उनको माल बोलना ये ठीक नहीं है। अगर अरविंद सावंत उनको बोल रहे होंगे माल, तो इन लोगों का चुनाव हो जाएगा बेहाल। तो मतलब एक महिला का अपमान करना, इसी तरह की भूमिका रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी, और अरविंद सावंत के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं, धिक्कार करता हूं, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस हो चुका है, 20 तारीख को वोटिंग है, और महायुति जो हमारी है, ये महायुति बहुत ताकतवर चुनाव लड़ रही है। हमारे खिलाफ महाविकास आघाड़ी है, और महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में नहीं आने देने का प्लान हम लोगों ने किया है। हमारी जो बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आरपीआई है, वहीं से हम सब पार्टियों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा में जरूर हमें कम सीटें मिली थी, क्योंकि लोकसभा में संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, मुसलमान को यहां से भगा दिया जाएगा, इसी तरह की बयानबाजी, गलत बयानबाजी करके ब्लैकमेल करके लोगों का वोट लेने का प्रयत्न हुआ था, लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दे नहीं चले गए, डेवलपमेंट के मुद्दे चले गए, और महायुति सत्ता में जरूर आने वाली है। यूसीसी यूनिफॉर्म, हाँ, तो ये जो मतलब समान नागरिक कानून जो है, तो समान नागरिक कानून लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके संबंध में कुछ विवाद भी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस कानून बनाने में विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि समान नागरिक कानून नहीं होने से हिंदू मुस्लिमों में दरार हमेशा रही है। हिंदू समाज के मन में यह है कि भाई ये कानून मतलब जो है ये इन लोगों को मतलब पूरा फ्री ने सह, और समान नागरिक कानून ना लगेगा तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा हो जाएगी, और ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचार किया जाता है कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई इसके लिए आम सहमति भी होनी चाहिए, देनी चाहिए, और ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।